नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारी बारिश के चलते सिलवानी का स्टेट हाईवे 44 पर बना डायवर्जन पुल बह गया, जिससे सिलवानी से भोपाल का संपर्क टूटा। पहली ही बरसात में पुल निर्माण को लेकर खुली पोल, दोनों तरफ लगी वाहनों की लाइन, प्रशासन बना मूक दर्शक। सिलवानी बड़े पुल पर जहां निर्माण कार्य चल रहा है, विगत में एक माह से बारिश नहीं होने के बावजूद पुल निर्माण कंपनी द्वारा पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज अधूरे पुल निर्माण की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जहां पूरी बरसात में पहली बार बेगम नदी अपने उफान पर आई है और चारों तरफ पानी ही पानी का सैलाब बना दिया है, जहां अधूरे पुल निर्माण की वजह से पुल के आसपास के घरों में पानी भर गया, जिसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। वहीं लोगों को इस पुल की वजह से पानी रुक जाने के कारण काफी खासी परेशानी हो रही है। वहीं नदी का बहाव और भी तेज होने से पुल के बगल का डायवर्ट रास्ता भी बह गया है, जिसके बाद सिलवानी से मुख्य मार्ग भोपाल सागर का आवागमन पूर्ण बाधित हो गया।